आ रहा है बस, अभी ताता बाय बाय होने वाले हैं। देखो अभी फैंसक वगैरह हो रहे हैं। सदर बेटा, सदर जाएगा अभी। सदर काफी खूबसूरत हो गई है दोस्तों, अभी देखिए तो कैरी बैग में डाल के अभी लेके जाएंगे और साले साहिबा को सरप्राइज गिफ्ट दे देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह का वक्त है और सुबह नहा धो के मैं तैयार हो गया हूँ तेजू जाने के लिए। तो आज जो है पिताजी लोग जाने वाले हैं मिजोरम, तो उसके लिए कल जो हम लोग टिकट कराने गए थे, कॉल करके बोला था कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो बोला था कि टिकट बुक हो गया, हो जाएगा, आने से हो जाएगा। बट अभी कॉल करता हूँ तो फिर से क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है, हम तो गुवाहाटी में आया है ये वो, तो इसलिए मुझे तेजू पे जाना पड़ रहा है टिकट वगैरह बुक करने के लिए। लेकिन खाना वाना अभी तक नहीं खाया, तो सबसे पहले भैया के घर जाऊँगा, वहाँ पर खाना वाना खाऊँगा, उसके बाद वहाँ से सीधा तेजू चला जाऊँगा मैं। अभी यहाँ पर भैया के घर पर आया हूँ और यहाँ देखो सदर को, वाह झूले पे झूलेगा बोल रहा है। ओ यहाँ पे झूलोगे देखो, अरे 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 चोट लगेगा, आराम से आराम से। वाह देखो खेल रहे हैं। और बुज्जे भी यहाँ पे आ गया, तो मम्मी पापा लोग सुबह सुबह आए थे यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए, यहाँ पे इनविटेशन मिला था तो मैं भी यहीं पे खाऊंगा। जूते वगैरह खोल लेता हूँ फटाफट से, खा के मुझे निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी साली साहिबा जी को देखो, आज जाने वाली है तो इसलिए मुझे खाना वाना खिलाएगी। वाह बम्बू सूट स्पेशल, और ये क्या है, पोर्क पोर्कुआ है, तो इसी के पापड़ है। वाह चलो खाते हैं अभी साली साहिबा के हाथों का खाना। एक्चुअली पकाई तो भाभी जी ने है, लेकिन निकाल देगी साली साहिबा। व्हाट ए लकी गाय, देखिए दोस्तों भाभी जी और साली साहिबा एक ही साथ में सर्व कर रहे हैं, जिंदगी हो तो ऐसी हो। थैंक यू साली साहिबा जी, और भाभी जी को भी थैंक यू। यहाँ पे देखो पोर्क, और ये क्या पोर्क बॉयल है, अच्छा खट्टे वाले पट्टे में, अरे इतना ज्यादा खा नहीं पाऊंगा, प्यार से दे रहे हैं। चलो खा लिया साली साहिबा जी, खा लिया। अच्छा ठीक है अभी मैं खाता हूँ। डीजे वाह, साली साहिबा जी हाथ धुला रही है जाने का टाइम में, वाह थैंक यू हो गया। वाह चलो अभी करते हैं अपना, ये ब्रेकफास्ट विथ लंच है ये मेरा। मैंने यहाँ पे खाना होना तो खा लिया दोस्तों, तो तेजू जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि टिकट जो है बुक हो चुकी है। मुझे फिर से कॉल आया बस कंडक्टर का, तो उन्होंने बताया कि मतलब हो चुकी है, तो कोई टेंशन नहीं, मैंने एडवांस भी पे कर दिया उसको 500, बाकी जो है पूरा पे कर दूंगा वहाँ पे जब इन लोग को छोड़ने जाऊँगा। तो चले घर, साली साहिबा जी मेरे साथ जाएगी बोल रही है सदर के साथ। सदर नहीं जाओगे, फिर से झूला झूलने में लग गया। देखो घर पहुंचते ही सदर को देखो इतना क्यूट लग रहा है बाइक राइडर, वो ब्रुम ब्रुम करो ब्रुम। ये देखो सदर, सदर मेहता इसे दबाओ, इसे दबाओ, इसे दबाओ, दबाओ दबाओ, इतना क्यूट लग रहा है देखो ना। दोस्तों अभी हम आए हैं मार्केट में अचानक से, क्योंकि मार्केट में जो है कुछ शॉपिंग वगैरह करना था, और वो जेरी के पापा लोग जो है वो फैन वगैरह लेके जाएंगे क्योंकि मिजोरम में बहुत महंगा है, तो यहाँ से खरीद के हम लोग पैकिंग करके वहाँ भेज रहे हैं। एंड आज जो है एक्चुअली मेरी साली साहिबा का बर्थडे है, तो बेचारे जो है बर्थडे के दिन ही जाना पड़ रहा है, मनाने नहीं मिल रहा, तो उसको एक सरप्राइज गिफ्ट में बैग लेने के लिए यहाँ पे हैंड बैग पर्स की तरह जो यूज़ करते हैं लेडीज बैग, तो वाला जेरी यहाँ पे देख रही है ये वाला, बढ़िया है तो मैचिंग हो रहा है, छोटा है ना क्या। तो साली साहिबा के लिए चूज हो चुका है दोस्तों, ये देखो अभी गिफ्ट पैकिंग करते हैं। तो बेचारी को जो है आज तक किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, बोला कल केक काटने वाले थे हम लोग, लेकिन टाइम ही नहीं, अभी वो लोग जाने वाले हैं, तो अगर वो कल जाती ना तो अच्छा होता, लेकिन क्या करे। कहाँ गया भैया, ओ भैया कहाँ गए बानू। यहाँ पे गिफ्ट शॉप देखो, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, जेरी तेरे लिए एक बड़ा सा ऐसा वाला लूंगा एक इतना बड़ा, तब तो हम आपको पूरा भाव ही नहीं देगा। वाह देखो देखो इसको, जब मैं ये डॉल गिफ्ट करूंगा ना मुझे मतलब भाव ही नहीं देगा बोलती है, उसके बाद तो डॉल का साथ ही खेलती रहेगी। देखो बहुत प्यारा है ना, क्यूट है। अभी लेके क्या करोगे इतनी गर्मी में। तो दोस्तों बक्सा नहीं मिल रहा था, तो ये बैग डालने के लिए सब छोटे पड़ गए थे, तो ये वाला देखो एकदम सरप्राइज है साली साहिबा के लिए, इसमें डालना पड़ेगा, उपाय नहीं है। वैसे मोनू को भी जब गिफ्ट दिया था ऐसे ही बक्से में दे दिया, मतलब एक बक्सा मिलता ही नहीं है साइज का। गिफ्ट पैकिंग तो हो रहा है, तो उसमें एक चॉकलेट देने के लिए चॉकलेट लेने आया हूँ। वो लोग को मतलब बहुत ही गाँव रिमोट एरिया से है वो लोग,
तो ये सारी चीजें उतना मिलना मुश्किल है वहाँ पे, और होने से भी बहुत महंगा है, एमआरपी से भी महंगा। वो बॉर्डर एरिया है ना दोस्तों, तो 10 रुपया की चीज वहाँ पे 20 रुपया बिकती, इतना महंगा है। तो ये वाला भी दे देंगे हम लोग, साथ में चिपका देंगे। यहाँ पे पैकिंग हो रहा है, हो गया। वाओ इतना खूबसूरत, देखो साली साहिबा के लिए सरप्राइज, ये यहाँ पे जाएगा। काफी खूबसूरत हो गई है दोस्तों, अभी देखिए तो कैरी बैग में डाल के अभी लेके जाएंगे और साली साहिबा को सरप्राइज गिफ्ट दे देंगे। सारा शॉपिंग हो चुका है कंप्लीट, अभी जाएंगे। ये देखो पिताजी लोग को मिजोरम के लिए पूरा फैन, वहाँ पे काफी महंगे है ना, तो यहाँ से पैकिंग कर दिया। चलो चले, हाँ चलो अभी चलते हैं, काफी गर्मी भी है। हम लोग घर पहुंच गए दोस्तों, और यहाँ पे सभी लोग गर्मी के कारण मरने वाले हैं, देखो पूरा फुल गर्मी। और सामान वगैरह यहाँ पे पूरा पैकिंग हो चुका है जाने के लिए, और राघवन तो सो रहा है, अभी सरप्राइज मिलेगा अभी, और 1 घंटा है बस यहाँ पे, उसके बाद जाने का टाइम। ये भी रोएगी क्या आज? आ नहीं रहोगे? स्ट्रॉन्ग हो। पोम भी पहुंच चुका है यहाँ पे, देखो पूरा काम करते करते आ गया, अभी जाने ही वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे सब रेडी। अरे सदर जाग गया, सो रहा था बेचारा। ओ सदर बेटा जाग गया रे, सदर ओ सदर ओ ही। फिर जाने की तैयारी, तो रागेम को देखो आशीर्वाद ले रही है। आशीर्वाद ले लिया, अभी सदर ले लो, सदर का बारी ले लो। तो अभी पापा लोग सभी लोग जाएंगे, तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है, बहुत दिन मतलब यहाँ पे रहे और कितने सालों के बाद आते हैं, पता नहीं अभी हम लोग कितने साल के बाद जा पाएंगे वहाँ पे। तो अभी अपनी साली साहिबा के लिए जो सरप्राइज लेके आया हूँ वो लेके जाता हूँ अभी, चलो बर्थडे सरप्राइज। साली साहिबा को दे दिया, और अंदर में बहुत सरप्राइज है, जब पैकेट खोलोगे ना तब मालूम होगा क्या है, एकदम बढ़िया सरप्राइज मिल गया। रो रही है। चलो साली साहिबा के साथ एक फोटो हो जाए, चलो चलो खोलो, अभी पैकेट देख के सरप्राइज हो जाएगी। खोलो खोलो, मैक्रोमैन खोलो खोलो, सदर बेटा चॉकलेट ले लो तुम, खोलो खोलो चॉकलेट वा, ले लो चॉकलेट, फ्लावर भी ले लो, बहुत सुंदर है। अभी अंदर में देखो क्या है, बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट। वो भी चड्डी, चड्डी मैन, मैक्रोमैन ये है अंदर में ये। थैंक यू, वेलकम वेलकम, पहला गिफ्ट लाइफ में, पहला गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। अच्छा चलो सदर ले लो, फूल ले लो, ओए फूल नहीं लेगा, चॉकलेट लेगा। अभी जाने की तैयारी, तो फोटो वगैरह खींचेंगे अभी मेमोरी रखने के लिए। अभी संबंधन संबंधियों को पहले फोटो, आइए पिताजी को बीच में डालो, दो लेडीज का बीच में। हाँ सदर हुआ बैठ गया, अभी जाएंगे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे ना। हाँ ये, अरे ये तो पूरा पिघल गया चॉकलेट। चलो अभी हम लोग दोनों बाइक में जाएंगे ना, और पापा भी आ गए। हाँ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चौकाम पे, तो अभी 10-20 मिनट में जो है गाड़ी पहुंच जाएगी बस, उसके बाद जाएंगे पापा लोग। तो इमोशनल हो रहा हूँ मन ही मन में, और जेरी के लिए भी मतलब इमोशनल रक्षा फील हो रहा है, क्योंकि जेरी रो दी थी घर पे, अभी जब ये लोग जाएंगे फिर से रोने लगेगी। तो यही है लड़कियों का लाइफ, क्या करें, दूर दराज में जाना पड़ता है, एक दिन विदाई लेना पड़ता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है मुझे लड़कियों का लाइफ ना, तो इसलिए लड़कियों को मतलब थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए। तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो देखो मनोज का गाड़ी वहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, आ गए अभी। अभी जेरी का दिल धक धक हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है दिल धक धक होना, क्योंकि इतने सालों के बाद मिले हैं। वहाँ पे देखो जेरी। अभी सामान वगैरह उतारना पड़ेगा, बहुत सारे सामान हैं, चलो भारी है ना, चलो हो जाएगा। अरे 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 इससे पकड़ता हूँ मैं, चलो बाबा गिरा दिया।
सदर बेटा सदर जाएगा अभी सदर। इसको आइडिया ही नहीं हो रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है इसे। अभी यहाँ पे लेने आया हूँ सदर, जो है ट्रैवलिंग करते वक्त कुछ ना कुछ खाता है, चिप्स वगैरह, तो उनके लिए सभी के लिए, सभी लोग खाएंगे, चार पैकेट ले लिया। आ रहा है बस, अभी ताता वाई वाई होने वाले हैं, देखो ये रहा खिड़की है, टेंशन लेने का नहीं है, सब सामान डिक्की में। सारा है क्या? हाँ सारा है ये, हाँ सारा, बस ये वहाँ सीट पे लेके जाएगा, बाकी सब अंदर। अभी हैंडशेक वगैरह हो रहे तो चले गए हैं पापा लोग, पूरा सुना सुना हो गए। अभी देखो अभी हमारे घर पे 1 2 3 4 बस चार, और बुज्जी और बुज्जे है बस, और कोई भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं रही देखो। पूछो पूछो, देखो जगह में वीडियो कॉल जा रहे हैं, देखो बाय बाय सदर, बाय बाय बेटा। और देखो मनोज ने आज बहुत बड़ा प्रैंक खेल लिया मेरे साथ, ये देखो यहाँ पे थे हम लोग, अचानक से गाड़ी गाड़ी चिल्ला दिया, मैं डर गया, ऐसा रिएक्शन था मेरा, कैमरा पे मतलब कैद नहीं हुआ, मैं जेरी का फोन पकड़ा हुआ था। भाई साहब ऐसा प्रैंक तो मत करो यार। तो जेरी पूरा इमोशनल हो गया, बस छुपा के रह गया अंदर ही अंदर, पूरा आंखों में आंसू आ रहे हैं उसके, मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ चश्मा लगा के। तो अभी मम्मी लोग ये लोग सभी लोग जाएंगे गाड़ी में, तो मैं जाऊंगा अपना ब्लैक पैंथर लेके थोड़ा सा वॉश करूंगा। अभी मैं अपने गांव पहुंच गया दोस्तों, अपना ब्लैक पैंथर को वॉश करने गया था, लेकिन फ्री नहीं है, बिल्कुल बिजी है, तो आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगी। और यहाँ दीदी के घर पे आके वेट कर रहा हूँ, और मनोज लोग इधर ही से आएंगे, मनोज का रिजॉर्ट पे जाएंगे जेरी और दीदी, तो उसका जो फ्लावर के पौधे है वो लगाना पड़ेगा, और यहीं पे वेट करूंगा, मैं भी उनके साथ वहीं पे जाऊंगा और रील्स वगैरह बनाएंगे, और कुछ करने को है ही नहीं इसे भी। और यहाँ पे दीदी जो बना रही है हम लोग का ट्रेडिशनल स्मोकिंग, ये देखिए दोस्तों दुंदू, हम लोग दुंदू कहते हैं, तंबाकू लिप्स विद जगेरी ऐसे बनाते हैं देखो, और जो बम्बू में पीते हैं ना, आप लोगों ने कई ब्लॉग्स में देखा होगा, तो यही चीज है वो। अब मैगी 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 इधर आ, ये देखो मैगी, क्यूट सा मैगी। बहुत शैतान करता है, पूरा स्कूटी स्टार्ट करने का साथ साथ वहाँ पे बैठ जाता है, ये बहुत चालू है मैगी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मनोजुआ के रिजॉर्ट पे, और ये लोग भी पहुंच गए देखो, वाह कौन कौन आए, मानवी को भी लेके आ गए शायद ये लोग, मानवी भी आया क्या साथ में, हाँ वो देखो मानवी। वो पावर बैंक लाया, अच्छा मम्मी भी आ गई, सभी लोग। यहाँ आते ही जेरी को देखो पम्पम्बुआ का किचन में नजर डल रहा है, कुछ भी नहीं है। यह है पम्पम्बुआ का किचन, क्या दुखी दुखी लग रही हो, हाँ रोतनी ना रोल बा, हम तो रख के खुश रखबो। यहाँ पे आने के बाद हम लोग खा रहे हैं अंडे बॉयल, ये देखो गर्मा गर्म जेरी छील रही है, और खाओ बॉडी ऐसे भी बड़ा है, बॉडी और बनाओ बॉडी, स्पेशली मुझे खाना चाहिए ये सब बॉडी बनाने के लिए, इतना हाँ दुबला पतला हूँ। मान भी आओ अंडा खाने, आओ अंडा, देखो यहाँ पे जेरी को देखो पम्पम्बुआ के रिजॉर्ट में प्लांटेशन कर रहा है। पूरा रेडी है। ये सब क्रिसमस ट्री, पाइन ट्री, क्या है पता नहीं, क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, जेरी का नाम लिख देगा, जेरी का नाम इसमें लिख देगा, और क्रिसमस में इसमें लाइट जलाएंगे, है कि नहीं। इसे देखिए दोस्तों, ग्रास ऊपर मेरे उंगली पे एकदम बढ़िया से बैठा हुआ है, वाओ। हम सभी लोग यहाँ पे नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए दोस्तों मनोजवा के रिजॉर्ट पे, तो पिताजी लोग चले गए घर पे, भी बोरिंग बोरिंग होंगे इसलिए यहाँ पे आ गए, अब से घर पे पूरा सुना सुना, तो अभी घर जाएंगे, और मैं और मनोज प्लान कर रहे हैं आज फिर से मूवी देखने के लिए चले जाएं, स्पाइडरमैन का जो एनिमेटेड वाला निकला है, मैं मार्वल फैन हूँ बहुत बड़ा, तो बहुत अच्छी मूवी हुई है ऐसा लोग कह रहे हैं, तो जाके देखने के लिए, तो देखते हैं अभी प्लान तो बनाए हैं, प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है देखो। और पम्पम्बुआ को देखो पूरा बॉडी बिल्डर देखो। हम लोग घर भी आ गए दोस्तों, लेकिन जो मूवी देखने वाला प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि रात के शो में नहीं है, तो दिन में 11 बजे, तो कल अगर टाइम होता है तो मैं ज़रूर जाके देखूंगा। तो आज के लिए बस इतना है, अभी तक तो घर बिल्कुल सुना सुना, हम घर पे केवल चार लोग, क्या कर सकते हैं, बस ऐसे ही रहना पड़ेगा।
तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।